मैं हूँ जीविका, वीडियोस बनाती हूँ मेकअप ब्यूटी स्किन केयर हेयर केयर बहुत कुछ मैं आप सभी के लिए लेके आती हूँ एंड आपकी फरमाइश पर भी वीडियो में लेके आती हूँ। तो अगर आपको कोई सी वीडियो बनवानी है मतलब आप चाहते हो इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो कमेंट करके बता देना मुझे, तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो लेके आऊंगी। तो आज की वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड है, वो होने वाली है ऑल अबाउट हाइलाइटर्स। हाइलाइटर्स बहुत सारे कमेंट आते हैं, दी आप हाइलाइटर का कलेक्शन बताओ, कौन से हाइलाइटर बेस्ट है, आपके पास कितने हाइलाइटर है, आपके मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर के बारे में कुछ वीडियो लेके आओ। तो वो वाला वीडियो आ गया है, तो यही है वो वाला वीडियो, हाइलाइटर के बारे में बताऊंगी। इसमें लिक्विड वाला हाइलाइटर इंक्लूड है। अगर आप हाइलाइटर परचेज नहीं करना चाहते हो तो आई शेडो कौन से है ऐसे आपको मिले मार्केट में जिसमें हाइलाइटर भी हो, और पाउडर वाले हाइलाइटर्स है, ब्लिंगी ब्लिंगी वाले हाइलाइटर्स भी है, यू नो सॉफ्ट सटल वाले हाइलाइटर भी मिलेंगे। तो सब कुछ ऑल इन वन ये वाला वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देख लेना एंड तक बिना स्किप किए। तो एंड गाइस, बट उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, वहां पर मैं डेली एक्टिव रहती हूँ। कोई सा भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगी। पूछ सकते हो आप वहां पर भी क्वेश्चन। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। प्रोडक्ट और स्वाचेस भी दिखा दूंगी यहाँ पर, ताकि आप क्लियर हो जाओ कि कैसा वाला हाइलाइटर मैं यूज करती हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है ये वाली वीडियो, बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि बिगनर्स के बहुत कमेंट आते हैं हाइलाइटर कैसे अप्लाई करते हैं, ये वाला टॉपिक अलग हो जाता है। तो उसके लिए आपको मेरी मेकअप लुक्स देखने पड़ेंगे, ये वाला मेकअप लुक भी मैं लाने वाली हूँ जल्दी से चैनल पे, या तो फिर आ गया होगा या तो फिर आप आगे देखोगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेती हूँ मेरे फर्स्ट हाइलाइटर की, जो है सिवाना का, वन सेकेंड मैंने उल्टा पकड़ा है, सिवाना का कलर शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर। ये पैसा वसूल हाइलाइटर है, और इस हाइलाइटर की खासियत मैं बताऊँ तो इसमें आपको 5 शेड मिलेंगे जो बहुत ज्यादा ब्लिंकी वाले होते हैं ना, मतलब जो आपको हाइलाइटर बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी तरह मेरे को हाइलाइटर पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है अप्लाई करना लगाना, क्योंकि इसके बिना मेकअप मुझे बहुत ज्यादा अधूरा या फीका फीका टाइप लगता है। तो ये वाला हाइलाइटर मैं यूज करती हूँ, ये है सिवाना का शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी मिलेगी आपको, ब्लैक में आ रही है, बहुत ही अमेजिंग वाला हाइलाइटर है। मेरा जो शेड में फर्स्ट वाली जो रो है वो यूज करती हूँ। ब्लश अगर आपको अप्लाई करने हैं शिमर में तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ब्रॉन्जी टाइप का। अगर आपकी डार्क स्किन है ना, डार्क स्किन टाइप वाले पर्सन है, तो आपके लिए ये वाला हाइलाइटर बेस्ट रहेगा। इसके स्वॉचेस बहुत अमेजिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसी को मैंने अभी अप्लाई किया है, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है इसके स्वॉचेस। बहुत ज्यादा पिगमेंटेड और बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। अगर आप पार्टीज वगैरह में जाते हो और आपको हाइलाइटर की जरूरत हो अफोर्डेबल में अच्छी क्वालिटी का, तो आप ये वाला डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। और मतलब इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, हाइलाइटर भी, ब्लश भी, और ब्रॉन्जिंग टाइप में भी कलर इसमें अवेलेबल है। तो दिस इज माय फेवरेट वन हाइलाइटर। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हाइलाइटर की तरफ। तो नेक्स्ट हाइलाइटर इज द, ये है सिवाना का, सिवाना नहीं है, ये एसएफआर का 3D हाइलाइटर है, ब्लश हाइलाइटर ब्रॉन्जर। इसमें बहुत सारे शेड रेंज भी आपको मिल जाएंगे। इस टाइप की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये वाला प्रोडक्ट रिसीव होगा, और मैंने इसको बहुत ज्यादा हद तक यूज किया है। और ये वाला हाइलाइटर किस टाइप का है, अगर आप बिगनर्स हो आपको इतना ज्यादा हाइलाइटर नहीं पसंद है, मतलब सिंपल सा सटल सा, मतलब नेचुरल लुकिंग होना चाहिए बस हल्का हल्का सा, तो ये वाला हाइलाइटर आपके लिए बेस्ट है। आप कहाँ से परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा या बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स है जहां पर आपको ये वाला इजीली हाइलाइटर अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हो। तो ये वाला शेड है 01। अगर आपकी स्किन टोन या स्किन कलर मेरे जैसा है तो आपको ये वाला शेड परचेज करना है, तो ये है 01। और इसका हाइलाइटर में आपको पिंक कलर मिल जाएगा, जो ऐसा ब्लश आप यूज कर सकते हो, हाइलाइटर दोनों। इसमें ब्रॉन्जी होता है कहीं पर, किस वाले पैलेट में ब्रॉन्ज कलर मिलेगा, किस में शिमरी टाइप मिलेगा हाइलाइटर, तो मैंने ये वाला परचेस किया, तो इसमें ये दोनों शेड मैं यूज करती हूँ एज अ हाइलाइटर। तो वन सेकेंड मैं आपको स्वॉचेस दिखा देती हूँ।
दिस इज द बेस्ट हाइलाइटर अगर आप परचेस करना चाहते हो, नॉट लाइक ब्लिंकी ब्लिंकी नो मेकअप मेगा लुक में काम आएगा, ये सटल सा सिंपल सा हाइलाइटर पसंद है आपको तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। दिस इज माई सेकेंड जो बिल्कुल सटल सा है, तो आप इसे भी परचेस कर सकते हो। थर्ड जो हाइलाइटर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये वाला, ये है स्विस ब्यूटी का प्योर इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। ये वाला हाइलाइटर में आपको दो शेड मिलने वाले हैं, पिंक में और एक गोल्डन में, तो मैंने पिंक वाला परचेस किया है, 02 मेरा शेड है। इस टाइप की ट्यूब पैकेजिंग में आपको ये वाला लिक्विड हाइलाइटर मिलेगा, ये एक्चुअली में लिक्विड हाइलाइटर है बेस पर, जिसे मेकअप करते हैं अगर आपको कोई सा भी मेकअप ड्यूई चाहिए तो उससे पहले आपको अप्लाई करना है ये वाला हाइलाइटर, अगर आपके पास इल्यूमिनेटर नहीं है। एक्चुअली में ये इल्यूमिनेटर है जो बेस से पहले अप्लाई किया जाता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ग्लोई ड्यूई दिखती है, तो आप ये वाला हाइलाइटर परचेस कर सकते हो। अगर आपको कोई सा लिक्विड में चाहिए, लिक्विड हाइलाइटर बेस्ट बेस्ट बेस्ट, इसकी पिगमेंटेशन ऑसम, मतलब क्वालिटी ऑसम, प्राइस बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल में ये वाला प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है, मतलब रिसीव नहीं हुआ, मैंने खुद ने परचेस करा है। जितने भी प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ सब मैंने अपने पैसों से परचेस करी है, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो इसका स्वाचेस दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, दिस इज द हाइलाइटर। अगर आप यू नो न्यूली मैरिड हो, अगर आपको बहुत ही हाइलाइटर लगाना पसंद है, ब्लिंकी ब्लिंकी हाइलाइटर आपको अच्छे लगते हैं, तो आप ये वाला लिक्विड वाला परचेस कर सकते हो। दिस इज द शेड 02, बहुत अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला है। अगर आप पूछते हो ना, इतने सारे कमेंट आते हैं, दी हाइलाइटर बताओ हाइलाइटर, तो इन्हीं पाँचों में से मैं आपको सारे दिखा रही हूँ, इन्हीं में से मैं अपनी वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ, आफ्टर ऑल मैंने ये देख के परचेस करे हैं, बहुत ही पैसा वसूल सारे हाइलाइटर है, तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। तो दिस इज द यू नो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोल्ड पसंद है हाइलाइटर, और इसे आप नेचुरल लुकिंग भी दिखा सकते हो, लिक्विड हाइलाइटर एज अ नेचुरल लुकिंग भी दिख सकते हैं। कैसे, आपको जब नो मेकअप मेकअप लुक करो तो थोड़े से डॉट लगा के ब्लेंड कर लेना, इसमें कोई चंकी पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल शाइन टाइप है, इसमें कोई भी चंकी वाले ग्लिटर्स नहीं मिलेंगे इसमें आपको, तो दिस इज माई फेवरेट वन। तो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हाइलाइटर की तरफ। अगर आप हाइलाइटर अलग से परचेस नहीं करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो आई शेडो हो उसी में ही हाइलाइटर मिल जाए, अगर आपकी डस्की स्किन हो तो डस्की स्किन टाइप के लिए भी हाइलाइटर हो, अगर आप पिंक ब्लश लगाना चाहते हो तो उसमें पिंक कलर भी मिल जाए हाइलाइटर का, तो वो वाला हाइलाइटर मैं वो वाला आई शेडो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको आप डेफिनेटली परचेस करना। तो दिस इज द हिलारी रोडा का आई शेडो पैलेट है, दिस इज द बेस्ट वन, ये वाला शेड है 01, वो 02 वाला आता है ना, वो डार्क वाला आता है, वो वाला भी मेरे पास है, उसमें सारे ब्राइट कलर्स होते हैं, तो इसमें आप ओपन करोगे ना तो इसमें आपको मिलने वाला है गोल्डन शिमरी कलर, बहुत ही ज्यादा कमाल का पैलेट है इसमें आपको मिलने वाले हैं। आप ना ये वाला जो शेड है जो आप देख सकते हो व्हाइट कलर के नीचे, जो मैंने काफी हद तक खत्म कर दिया है, क्यों खत्म करा है, क्योंकि ये वाला जो आई शेडो था मैं एज अ हाइलाइटर यूज करती हूँ, तो ये मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, बहुत ज्यादा प्रिटी है, स्मूथ है, बटर की तरह है, पाउडरी बिल्कुल भी नहीं, क्या ऐसा हाइलाइटर बिल्कुल भी नहीं है ये कि आप एक जगह पर लगाओगे पूरे फेस पर फैल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा यूज किया है मैंने इस हाइलाइटर को। आप ये वाला शेड ले सकते हो, इसमें न्यूड कलर भी मिल जाएंगे, ब्राउन भी मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कलर है जिसमें आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो इस पैलेट को। तो दिस इज द हाइलाइटर, आप इसके नीचे वाला भी हाइलाइटर यूज कर सकते हो, अगर आपकी रही डार्क स्किन टाइप है, आपकी डार्क कलर है आपके फेस का, तो आप ये वाला हाइलाइटर यूज कर सकते हो, थोड़े बहुत और शेड मिल जाएंगे इसमें, एंड अगर आप पिंकी पिंक टाइप ग्लो चाहते हो तो ये वाला हाइलाइटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दिस इज द पैसा वसूल हाइलाइटर, कहाँ से परचेस कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ क्लिक करो एंड परचेस करो, शॉपिंग करो। तो ये वाला हाइलाइटर आई शेडो पैलेट, ये आई शेडो पैलेट है गाइस, ये वाला आई शेडो पैलेट है, दिस इज द आई शेडो पैलेट, इस पैसा वसूल मतलब कह सकते हो, इसमें आपको मिलने वाले टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाईलाइटर्स इसमें मिलेंगे, आई शेडो मिलेंगे जिसे एज अ हाइलाइटर आप यूज कर सकते हो, मल्टीपर्पज ये वाला पैलेट है, तो आप ये वाला पैलेट जरूर लेना, मैंने इसको काफी यूज किया है ये वाले शेड को, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, एंड गाइस अभी तक मैं इस पैलेट को यूज करती हूँ, तो आई होप आपको पसंद आने वाला है ये वाला पैलेट। नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, तो मैं एक और ऐसा
आई शेडो पैलेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें है हाइलाइटर, और पूरे में सिर्फ आपको एक ही हाइलाइटर मिलेगा, बाकी बहुत सारे आई शेडो मिलने वाले हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ग्लेस का पैलेट है, इसमें मैं जो शेड यूज करती हूँ एज अ हाइलाइटर वो ये देख सकते हो, ये वाला है, नॉट दिस वन, दिस वन। ये थोड़ा सा कैमरे में आपको लाइट दिख रहा है, बट ये एग्जैक्टली बेस्ट वाला हाइलाइटर है। मैं आपको स्वॉचेस दिखा देती हूँ, तो गाइस इस पैलेट में भी आपको मिलने वाला है एक हाइलाइटर, बाकी बहुत सारे शेड इसमें मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड यूज कर सकते हो एज अ हाइलाइटर। थोड़ा ब्राउन कलर में भी मिल जाएगा, लाइट पिंक कलर में भी मिलेगा आपको, दिस इज द लाइट पिंक। अगर डार्क स्किन टोन है तो ये वाला हाइलाइटर बेस्ट रहेंगे, ये दोनों हाइलाइटर भी इसमें मिल जाएंगे। ये आई शेडो पैलेट है जिसको आप एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको दो पैलेट दिखा दिए हैं एंड इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, ग्लिटर, शिमरी, मैट, बहुत ही अमेजिंग वाला पैलेट है। तो आप इसे भी डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, परचेस करना चाहते हो कोई सा भी हाइलाइटर तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर चेक कर लेना। एंड गाइस अगर आपको भी पसंद है मेरे टाइप का ग्लो, अगर आप चाहते हो आपको बेस्ट हाइलाइटर मिल जाए बेस्ट क्वालिटी में अमेजिंग पिगमेंटेशन के साथ में, तो वो मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। टॉप 5 हाइलाइटर आप कह सकते हो, जो जिसमें लिक्विड वाला इंक्लूड है, ब्लिंकी ब्लिंकी टाइप होते हैं ना, डिस्को बॉल टाइप, वो वाला हाइलाइटर इंक्लूड है, लिक्विड वाला हाइलाइटर, सटल वाला हाइलाइटर। अगर आप कोई सा भी हाइलाइट सेपरेटली नहीं परचेस करना चाहते हो तो उसे कौन से आई शेडो है जिसमें आपको हाइलाइटर मिल जाएंगे, तो ये मैंने ऑल इन वन वीडियो बना दी है। तो यही था आज का वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहता है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, वहां पर मैं डेली एक्टिव रहती हूँ और कौन सी वीडियोज मैं आपके लिए लेके आऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। डेफिनेटली मैं वो वाला वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगी एंड कमेंट करके बताना कि ये वाला लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि ये वाला जो मेकअप लुक है वो मैंने शूट किया है, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे, तो चैनल को जरूर चेक करना, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो मेकअप लुक अगर आप देखना चाहते हो, मेकअप कलेक्शन सब कुछ वीडियो में मिल जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा। तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके छोटी सी घंटी होती है उसे प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक व्हाट यू हियर then don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon to receive notification every time I release a new video.